यहाँ पे आदर्श विद्या मंदिर के पास आ गए हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, जो कि यहाँ बीजेपी सभासद प्रत्याशी टीटू ठाकुर ने जाके उसको पकड़ा था। तो इन्होंने पाया कि जो भूतपूर्व जो यहाँ के सभासद थे मुकेश पाल, उनके घर के अंदर नकली आधार कार्ड बनाने का काम बड़े जोर शोर से चल रहा था। वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियाँ और मौजूद उस वक्त पर वहाँ पर बहुत सारे आधार कार्ड भी मिले हैं, जो कि इन्होंने पुलिस के साथ ले जाके छापेमारी भी कराई है। देखते हैं कि मामला पूरा क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीटू है, मैं वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी हूँ। और सुबह 7 बजे ही यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लाइन लग गई थी जी। हम लोगों को पता लगा कि सारे चेहरे नए हैं और दूसरे वार्डों के लोग आए हुए हैं। हम लोग लग गए जांच पड़ताल में। लगभग 10:30-11 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि सुषमा पाल जो आरएलडी प्रत्याशी हैं, पूर्व में उनके घरवाले मुकेश पाल सभासद रहे हैं और उनका देवर चंद्रशेखर और उनका छोटा देवर आलोक, ये लोग मिलके एक षड्यंत्र रच रहे थे, जिसमें पीछे ही बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल जस्ट पीछे ही एक घर में बैठ के लैपटॉप प्रिंटर और लगभग सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड बरामद किए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा मैंने पकड़वाए हैं और अभी वर्तमान उस टाइम वो जो चंद्रशेखर पाल है वो जय थाने में है और इन लोगों के ऊपर राष्ट्रीय जो देशद्रोह की जो धाराएं हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। और किसी कारण फर्जी वोटों से अगर ये लोग जीतते हैं, हम कोर्ट में जाके मुकदमा लड़ेंगे और उनकी सदस्यता रद्द करवाने का काम करेंगे। यहाँ पे ये भी देखा गया कि ये सुनने को आया है कि पिछले जो चुनाव है वो भी ये इसी तरह से इसी फर्जीवाड़े से जीता करते हैं। बिल्कुल, ये लोग चैलेंज करते हैं कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। चैलेंज करना इनका बिल्कुल सही का है। जब लोग फर्जी यहाँ पे जो हमारे वोटर हैं, जब वो आ रहे हैं 8 बजे 9 बजे, उनकी वोट गिर गई। यहाँ पे अधिकारियों से हम पीटासीन जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारी चैलेंजिंग वोट गिरवाओ। साठ गाठ के उन्होंने भी साठ गाठ की हुई है, वो जो चैलेंजिंग वोट है वो डालने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इतना हंगामा हुआ है, सब लोगों में आक्रोश है। मैं काफ़ी वीडियो, कुछ लोगों के आधार कार्ड सब चीज़ है। पीटासीन अधिकारी का कार्य होता है अगर किसी कारण उनकी वोट गिर जाए तो वो चैलेंजिंग वोट डलवाने का काम करें, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ धमकाने का काम किया है। आदर्श स्कूल के अंदर 181 बूथ संख्या है, उसमें एक हमारे सपा मानसिकता के जो अधिकारी आए हुए हैं उनका सीधे सीधे जो हिंदू वोटर आ रहे हैं उन्हें रोकने का काम वो कर रहे हैं। किसी न किसी कोई ना कोई कमी निकाल के वो उन्हें बाहर भगाते हैं। जैसे ये हमारी आंटी जी है, आपका नाम क्या है? ममता शर्मा। तो आंटी जी, आपका जो वोट है वो डल चुका है? नहीं डरा, अभी हमारे नाम से नहीं डरा। आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला हमने, नहीं। अंदर जाके उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कह रहे कि तुम्हारा वोट बच चुका है, आपका वोट डल चुका है। कि ममता राम अवतार की बीवी गिर गई है, वो हमारे पिताजी हैं। अच्छा। हाँ, अंदर जाके मना कर देते, नहीं गिरने दे रहे। आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला। अंदर जब गए तो ये बड़ी गड़बड़ी मिली है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने वोट नहीं डाला है और इनका कहना ये है कि जब ये अंदर गए तो वहाँ पे इनका जो वोट था वो किसी और ने डाल दिया था। तो इस तरह की गड़बड़ियां हमने पहले भी पाई हैं यहाँ पे। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से चुनाव की जो स्थिति है बिल्कुल लगभगा गई है। चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस सारे जो मामला है इसको संज्ञान मिले और इसकी जांच करे। सर आपका नाम क्या है? हमारी पत्नी का वोट भी नहीं भरा, लोकल जनसंख्या खराब है, बस 3-4 बार वापसी कर दी और सब कुछ सही है। जनसंख्या खराब है इसकी? हाँ जी, जनसंख्या खराब बता दे और वापसी कर दे पुलिस वाले। अच्छा, छोटी सी गलती की वजह से वोट नहीं डाले? नहीं डालने दिया। और काफी सारे वोट इसी वजह से। ये जो मामला है आधार कार्ड बनाने का, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो पूर्व सभासद हैं उन्होंने बीएलओ से इतनी अच्छी साठ गाठ की हुई है कि 40 नंबर वार्ड के वोट 18 नंबर में है और 18 नंबर के उनकी साठ गाठ से ही 40 नंबर में है। एक ही समुदाय के लोगों के वोट दो दो वार्डों में है, प्लस में बाहर के लोगों की वोट जो है यहाँ पे हैं। बताया गया है कि 2 बसें भर के रात आई हैं, लगभग 150 लोग आए हैं जिन्होंने फर्जी वोट यहाँ पे घेरी है। बीएलओ ने किसी कहीं भी जाकर पर्ची बांटने का काम नहीं किया है, जिसके कारण मुझे संभावना है कि 40-42% ही यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की और बीएलओ की जो कमी रही है, क्योंकि मैंने चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी को एप्लीकेशन दे के आया था, एसडीएम मैडम को मैंने एप्लीकेशन दी है इस सिलसिले में कि बीएलओ आके कहीं भी वोट नहीं बांट रही है। अगर प्रत्याशी खुद जाके वोट बांटेगा तो वो वोट का मांगेगा, अगर वोट डालने बांटने के उसमें उलझ जाएगा तो वोट का मांगेगा। गुर्गे लगे हुए हैं, जो पूर्व सभासद है उनके गुर्गे लगे हुए हैं, वो सिर्फ ढोने का काम करे, फर्जी वोट होगा, असली वोट गायब है।
सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्वनी है। जो पुरानी लिस्टें हैं उनमें से नाम ही गायब हैं। मेरे मेरे परिवार के 6 वोट में से 4 वोट मैंने डलवाई हैं, जो सही तरीके से लिस्टों में नाम थे, लेकिन बाकी की मेरी वोट जो है 4 गायब है। तो ये पहले भी आपके साथ हुआ है या पहली बार जो निकाल चुनाव? अब की बार हुआ है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपकी सीट? लोकसभा विधानसभा में ठीक गई है। तो ये निकाय चुनाव में समस्या आई? हाँ, निकाय में ही आया है। तो ये जो आधार कार्ड का जो हमने जो गड़बड़ी पकड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, अगर आज हमने ये पकड़ा है क्योंकि चुनाव का आज समय था, आज 11 मई थी तो आज लास्ट दिन था, यदि इतनी बड़ी गड़बड़ी आज चल रही है तो पता नहीं कितने दिनों से ये आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था, न इससे प्रशासन और शासन किसी को ये नहीं पता था, तो इसकी जाँच होनी चाहिए, इसकी पूरे की जाँच होनी चाहिए कि क्या मामला है और पूरी जाँच अंत तक होनी चाहिए। वोटों के फर्जीवाड़े का जो काम है वो रुक नहीं रहा है, लगातार लोगों के जागरूक होने के बाद, वोटर के जागरूक होने के बाद भी एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और हमारे सामने एक वोटर और सामने आए हैं जिनका नाम है मदन लाल गोयल। सर आपका नाम क्या है? मदन लाल गोयल। तो सर आपके साथ क्या समस्या हुई अभी? समस्या क्या, वोट डालने गया उसमें देखा वोट डली चल चुकी है, मतलब। तो जो अंदर जो अधिकारी पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने क्या जवाब दिया उसके लिए? उनसे मिलाने में आपको उनसे मिलना चाहिए और उनसे जाके पूछे कि इसका मेरा क्या करोगे अभी आप, अगर आपका वोट, ये तो आपका अधिकार है ना, आप 5 साल से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, आप इसके लिए अधिकारियों से जाके मिले। ये देखिए एक और मामला आया है और देखते हैं कि इस तरह के और कितने मामले आते हैं, और ये वाकई काफी शर्मसार कर देने वाला चीज है कि चुनाव आयोग के इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां कर रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव में इतनी सारी बाधाएं आ रही है। सर आपका क्या नाम है और क्या मामला है? राहुल नाम है मेरा। राहुल, वोट गिरने आया था ना मैं, तो वोट जैसे गिर दी तो वो क्या है आपकी गिर चुकी है, आप उनके पास जब गए अपना पता करने, आप पर्ची दी ना, क्या है आपकी गिर चुकी है, फिर गिरने के बाद उन्होंने लिस्ट में देखी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, फिर उन्होंने पर्ची से मतलब मनाई, फिर कह रहे जाओ तुम अपना वोट गिर दो, वो दीपक नाम लिखवाया था उसमें, अच्छा। मैंने लिखा नहीं, फिर कह रहे अंगूठा लगा दो अपना, अच्छा। मैंने अंगूठा लगा के फिर गए अपनी वोट गिर दो। तो आपने वोट डाल दी है? हाँ, जो लेकिन राहुल नाम वाली नहीं डाली। हाँ नहीं, हाँ दीपक नाम कह देते वो, इस तरह से हुआ। हाँ, तो एक मामला और सामने आया है कि इनकी वोट कोई और ही डाल के गया है। काफी सारे मामले आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की कुछ कमी है या फिर इसे गड़बड़ी कहें या फिर कुछ और, बहुत बड़े लेवल पे जो गड़बड़ी हो रही है। काफी ज्यादा लोग तो इसलिए परेशान है कि उनका वोट नहीं आया है, परिवार के अंदर अगर 5 मेंबर हैं तो 5 में से 2 ही मेंबर्स का वोट आया है, और दूसरी समस्या ये आ रही है कि लोग जो वोट डाल रहे हैं वो अपना वोट न डाल के दूसरों का वोट डालें, और सेम चीज को जो दूसरे अधिकारी लोग हैं वो भी उनको अलाउ कर रहे हैं। तो ये सरकार से और जो चुनाव आयोग से दरख्वास्त है कि वो सारी चीजें की गंभीरता से जाँच पड़ताल करे। टोटे न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।